What do you think of spirituality? Uh, I think the world is lacking spirituality right now, and I think people keep coming to India to experience what it is. And I don't know. Hopefully, we take it back to our countries and we put it into practice. I don't see it for myself. Mm. I can understand other people mm. having it. My family or my rest of my family are very spiritual, mm. but I just don't get it mm. and I feel sad about that my grandfather was posted over here um, and he worked in India he was with the army in India and he took back um, took me back a Gita and I was only seven and he had some trinkets that he took back and I've always been fascinated with India so the Gita intrigued you to come to India. Yes. हम सभी ने स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म के बारे में सुना तो जरूर है लेकिन हम उसके बारे में जानते कितना है ऐसे ही कुछ सवालों की खोज मुझे कुछ दिन पहले ऋषिकेश ले गई जो कि भारत में अध्यात्म का गढ़ भी माना जाता है वहां मुझे विश्व गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के दर्शन का अवसर मिला उम्मीद करता हूं कि उनसे हुई बातचीत आपको भी उतना ही प्रभावित करेगी जितना कि उसने मुझे किया आइए सुनते हैं गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए आज हम ऐसे विश्व गुरु के साथ हैं जो कई दशकों से हमारे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं चाहे वो तन और मन के स्वास्थ्य की बात हो या हमारे पृथ्वी के संरक्षण की तो आइए मुलाकात करते हैं विश्वगुरु परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से नमस्कार स्वामी जी जय हो जय गंग स्वामी जी बहुत हमने रिसर्च किया आपके बारे में बहुत वीडियो देखे बहुत आपके बारे में पढ़ा इतना सारा था कि हमें शायद दो महीने इस तैयारी में लग गए कि हम इस लायक बन पाए कि आपसे आके बात कर पाए लेकिन एक थोड़ा सा हमें ए, कहीं पर जो कमी लगी वो आपके बचपन के बारे में पढ़ने में लगी कहाँ से आपकी शुरुआत हुई बचपन कैसा रहा कहाँ से है वो हम जानना चाह रहे थे तो हमें लगा कि आपके मुख से ही ये होगा मुझे तो लगता है कि ये जीवन प्रभु की कृपा का परिणाम है और उसके बाद जो परिवार होता है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें भी माता पिता के जो संस्कार हैं घर का जो वातावरण है वो भी उसमें बहुत महत्वपूर्णिमा भूमिका निभाता है वही मेरे साथ हुआ बचपन में एक संत सत्संग करते उनका सत्संग सुनने माता पिता जाते एक बार उन्होंने उनको घर पे प्रसाद के लिए भोजन के लिए आमंत्रित किया तो वो फक्कड़ संत थे उन्होंने कहा ठीक है बैठे रहे भोजन तक तो आ जाएंगे चले गए तो चले गए पिताजी ने आके घर पे माँ को बताया माँ तो इतनी खुश हो गई कि होली मैन इज कमिंग होम और कोई महापुरुष घर में आ रहे हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगा सारे घर को धोना शुरू किया पिताजी को लगा कहीं ऐसा ना वो चले जाएं मौका तो मिला है उनका था बैठे रहे तो कहीं चल पड़े तो क्या होगा तो पिताजी ने मुझे कहा मैं बहुत छोटा था आठ साल का था पिताजी ने मुझे कहा वहाँ जाओ और चुपचाप जाके बैठ जाना डिस्टर्ब नहीं करना अगर वो कहीं जाने लगें तो फिर दौड़ के आके बता देना अन्यथा शांति से बैठ जाना वहाँ जा भोजन बन जाएगा मैं आऊँगा और उनको ले चलेंगे ठीक मैं गया जाकर उनके चरणों में एक मंदिर में बैठे थे वो वहाँ जाकर मैं बैठ गया थोड़ी देर के बाद ध्यान से उन्होंने आंखें खोली मेरी तरफ देखा और मुझे उन्होंने इशारा किया पास बुलाया मैंने प्रणाम किया जैसे ही प्रणाम किया मैंने ऐसे सिर उठाया उन्होंने मेरे भ्रू मध्य में जहाँ तीसरी आंख हमारे यहाँ बोलते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपना संस्पर्श किया बस वो होते ही सब कुछ बदल गया और मुझे ले गए वो कहीं बाहर की सुध जाती रही आंखें बंद और भीतर की आंखें उन्होंने उस यात्रा पर उसका दृश्य उसका पूरा आनंद लेने में जोड़ दी डेढ़ घंटे के बाद आदरणीय पिताजी आए भोजन तैयार हो गया था प्रसाद तैयार था तो लेने आए तो जैसे वो लेने आए तो स्वामी जी ने फिर एक बार मेरे को छुआ दोनों नेत्रों के बीच में तो भ्रुकटी पर छुआ और फिर वापस लेके आए घर गए जैसे पहुँचे तो माँ तैयार खड़ी थी, थी। उनको स्वागत के लिए तो मैंने जैसे ही माँ को देखा मैंने कहा माँ मैं भी स्वामी जी बनूँगा हमें मालूम नहीं था कि स्वामी जी क्या होते हैं ये पथ कैसा है कुछ पता नहीं था वो कौन है कहाँ रहते हैं कुछ मालूम नहीं था लेकिन मैं भी स्वामी जी बनूँगा माँ ने कहा हाँ हाँ ठीक है पहले महाराज जी प्रसाद पाले फिर बनाऊँगी स्वामी जी हमको लगा कुछ होगा जो बनाएंगी वो ठीक है महाराज जी ने प्रसाद ग्रहण किया और जैसे ही वो तो प्रसाद ग्रहण करके थोड़ी देर बातचीत करते रहे उसके बाद जाने लगे मेरे को भीतर से पता नहीं क्या हुआ मैंने उनकी चादर को पकड़ा मैंने कहा मेरे को भी स्वामी जी बनना है मेरे को साथ ले चलो मुझे पता नहीं था कुछ भी साथ का मतलब क्या और रहते कहाँ हैं कौन है मेरे को ही बना तो इसका भी पता नहीं था तो तकरीबन आपकी उम्र कितनी आठ हा साल सिर्फ आठ साल तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ले चलेंगे पहले तुम पढ़ाई करो पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर पहले पढ़ाई चले गए फिर एक बार फिर आए वो उसके बाद फिर वापस वही प्रश्न मैंने कहा था ना पढ़ाई करो फिर ऐसी क्रम बना फिर जब उन्होंने मेरा ज्यादा रुझान देखा रुझान देखा कि बच्चा है बार बार ये बात कह रहा है और वो तो महापुरुष थे उनको पता लगा कि हाँ पुराने जन्म का कोई जागृत योगी है इसको तो बोले अच्छा मेरे साथ रहना है तो एक काम करो पहले घर में रह के मौन करना पड़ेगा एक साल तक मौन रहना है मुझे किसी को देखना नहीं किसी को देखना नहीं किसी को मिलना नहीं बस इस तरह से उन्होंने कई नियम बनाए और मौन का उन्होंने नियम बनाया और भी कई नियम थे बहुत सारी बातें हैं वो बहुत डिटेल की यात्रा है कैसे साधना शुरू हुई कैसे क्या क्या हुआ और बहुत सारी उसकी दिव्य कथाएं हैं और उस मौन के बाद उस अनुभव के बाद लगा कि बस ये एक पथ है जिस पर चलना चाहिए छोटी उम्र में ही लगने लगा महात्मा गांधी कहते थे वट इज़ द यूज़ ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज़ नो डायरेक्शन तो स्पीड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो आज संसार में भी यही हो रहा है इंटरनेट आपको बहुत हाई स्पीड देता है लाइफ हाई फाई और वाई फाई हो जाती है।, जी है लेकिन हाई फाई और वाई फाई होने के बाद व्यक्ति को ये नहीं पता लगता कि मुझे करना क्या है और जाना कहाँ है डायरेक्शन खो, खो जाती है डायरेक्शन खो जाती है और दिशा खो जाती है इसलिए दशा वैसी बनी रहती है हाँ। तो वो जो संस्कार वो जो वातावरण वो जो ध्यान है वो आपको स्पीड भी देता है वो आपको डायरेक्शन भी देता है तो एक इंटरनेट हो गया एक इनरनेट हो गया तो ध्यान के द्वारा आप इनरनेट से जुड़ते हैं इनरनेट के द्वारा आप अपने वातावरण को शांत और सुखमय बना पाते हैं और इंटरनेट के द्वारा आप पूरे विश्व से जुड़ते हैं और इनरनेट के द्वारा आप खुद से जुड़ते हैं जब आप खुद से जुड़ते हैं फिर आप सबसे जुड़ जाते हैं और ब्रह्मांड भी तो खुद में ही है स्वामी जी पक्का यथ ब्रिंडे ब्रह्मांड है जो भी ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में उसका सूक्ष्म रूप ही तो अपने हैं जिस दिन खुद को समझ लिया तो पूरे उसको समझ लेता है व्यक्ति समझ लेने का मतलब क्या बोले सारी प्यास खत्म हो जाती है सारी तलाश खत्म हो जाती है व्यक्ति शांत हो जाता है फिर वो बाहर नहीं दौड़ता फिर वो भीतर की ओर मुड़ जाता है ऐसा इस कार्थ ये नहीं है कि फिर वो सब छोड़ के जंगल में चला जाता है बोले नहीं जहां वो होता है फिर वहीं पर ही मंगल ही मंगल हो जाता है बिल्कुल इसलिए भीतर से जुड़ना बहुत जरूरी है जी तो वो तलाश उनके माध्यम से इतनी सुंदर ढंग से पूरी हुई दूसरा बचपन से क्योंकि उन्होंने मौन सिखा दिया तो उस मौन ने ही ये सिखा दिया कि टंग मैनेजमेंट क्या होता है आज सबसे बड़ी समस्या समाज में परिवारों में संसार में टंग मैनेजमेंट की है क्योंकि वाणी संयम नहीं है बिल्कुल जी तो फिर बाण निकलते हैं तो बाण निकलते हैं तो राधर देन कुछ सुंदर निर्माण होता तो व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ जाता है छोटी छोटी बातें उसको विनाश कर देती हैं खुद के चरित्र का भी खुद के चित्र का भी और आसपास के परिवेश का भी इसलिए टंग मैनेजमेंट जो था वो बचपन से सीखने को मिला तो वाणी संयम और फिर लिविंग विद लेस एक कुटिया में फिर जंगल ले गए मुझको वो उसके बाद जंगल में छोटा सा एक मंदिर छः बाई आठ का होगा मुझे लगता है सात का अच्छा। उससे वही अपना आपका पूरा वो है तो हैिविंग मोर केयरिंग मोर बचपन में ही उन्होंने आदत डाल दी हाउ टू लिव विद लेस एंड बी मोर ताकि चीजों का लालच ना हो बिकॉज महात्मा गांधी कहते थे देर इज ऑलवेज एनफ कल किसी और की इच्छा भागते ही रहेंगे जी, क्योंकि नहीं है ना। जी, जी, जी। तो मानव की खोपड़ी ऐसी बनी है तो ग्रीड और नीड के बीच में फर्क समझने के हुँ, लिए हुँ। ध्यान की जरूरत है बिल्कुल उस ध्यान की दिशा में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो व्यक्ति भीतर से जुड़ता है जब भीतर से जुड़ता है भीतर शांत होते ही व्यक्ति की बाहरी तलाश शांत हो जाती है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो करता है लेकिन साथ साथ खुद भी एक प्रोजेक्ट है इस पर भी ध्यान देता है वो खुद पर भी ध्यान देता है खुद से निर्माण हो लेकिन खुद का भी निर्माण हो स्वयं से निर्माण हो लेकिन स्वयं का भी निर्माण हो इस पर भी उसका ध्यान टिका रहता है तो बाहर से ज्यादा फिर वो भीतर जुड़ जाता है जो व्यक्ति भीतर शांत भीतर स्थिर भीतर कनेक्टेड ग्राउंडेड एंकर्ड होता है पक्का मानिए वो बाहर जो भी करेगा वो भी ग्राउंडेड होगा एंकर होगा बिखरा हुआ नहीं होगा निखरा हुआ होगा तो भीतर जब हम एक हो जाते हैं तो बिखरते नहीं निखरते हैं जीवन खिलता है जीवन खुलता है और यही अध्यात्म का प्रभाव है जीवन में बस वो उस यात्रा से मिला उसके बाद जीवन खिलता गया खुलता गया और आज लाइफ बिकेम सुपर एंड वाई नाट सुपर वाई टू फील लेस वाई टू फील लो क्यों लो सोचना लेस सोचना खुद को अरे जब हम कहते हैं ममई वंशो जीव लो के जीव भूता सनातना परमात्मा कह रहे हैं कि जीव तो मेरा अंश ही है hmm. जब उसके अंश हैं जब वही हैं तो कम कैसे हो फिर कम कैसे हो सकते हैं कम सोचने से हम कम हो जाते हैं हमारी सोच ही हमको छोटा बना देती है और हमारी सोच ही हमको विशाल बना देती है सारी बात सोच की है सारा संकट सोच का है आज समाज में भी सारा संकट सोच का है जी, जी, उसकी वजह से लोग क्या क्या बोल जाते हैं गोविंद दो चीज़ों पर बात करेंगे एक तो आपने जो फियर से फेत की यात्रा बताई है उसके बारे में मैं बात करूँगा थोड़ी कुछ देर में आ, लेकिन जो अभी आपने अपने जीवन काल के बारे में बताया एक दृश्य दिया उस पूरे घटना का कि आप निकल गए मैं जानना चाह रहा हूँ जब एक बच्चा एक बालक घर से जब निकलता है माँ बाप पे थोड़ी सी तो कठिनाइयाँ होती हैं उसको भेजने में तो उनका माता पिता का किस तरीके का उस वक्त व्यवहार था मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई क्योंकि उनका जीवन भी बड़ा दिव्य था उनको लगा कि कोई दिव्य आत्मा हमारे परिवार में आई है हम तो निमित्त मात्र हैं मुझे याद है कि एक बार गुरु ने कहा कि एक समय भोजन करना है वो भी बिल्कुल रूखा ये नहीं खाना ये नहीं बहुत सारे नियम थे शाम को एक गिलास दूध पीना है और शाम को एक गिलास दूध पीना है तो माँ को लगा बेचारा कुछ भी नहीं खाता तो बजाय छोटे गिलास के महाराजी ने तो कहा एक गिलास दूध ये तो नहीं कहा कितना बड़ा उन्होंने इतना बड़ा दूध का गिलास बना दिया और फिर उनके दिमाग में आया इसको थोड़ा और काट दिया जाए अगर गाढ़ा गाढ़ा हो जाए रबड़ी की तरह हो जाए तो कुछ तो अंदर जाएगा थोड़ी तो ताकत बनी रहेगी माँ है ना माँ तो माँ ही होती है दो महीने के बाद मैं बस ध्यान करके पूजा करके बैठा था दूध मेरा आ गया था और दूध पीने ही जा रहा था मौन था पूजा पूरी हुई थी ध्यान पूर्ण हुआ यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया कोई अलाउड नहीं था अंदर आना साधना काल में एक बार दूसरी बार तीसरी बार मैंने नहीं खोला तो वहाँ अंदर से आवाज़ आई खोलो मैंने खोला तो देखा सामने स्वामी जी खड़े हैं महाराज जी खड़े हैं मौन में मैंने कौन बिठाया कैसी साधना चल रही है मैंने इशारे से बताया तो उन्होंने थोड़ी देर बैठने के बाद माँ को आवाज़ दी बगल में ही कमरे थे इधर था तो माँ आई तो क्या लेंगे आप भोजन जैसा अपने यहाँ स्वभाव है अतिथि सत्कार तो दूध लेंगे लेने कुछ नहीं चाहिए फिर भी कोई गई दौड़ कर दूध ले आई जब दूध लेके आई वो भी गिलास उतना ही बड़ा लेके आई ढका हुआ था ये भी ढका हुआ रख दिया उस गिलास में दूध है इस ग्लास में भी दूध है लेकिन महाराज जी ने कहा आज हम स्वामी जी ए, संत वाला दूध पिएंगे मुझे संत बोलते थे घर में आज हम संत वाला दूध पिएंगे और संत हमारे वाला दूध पिएगा तो माँ ने कहा कि नहीं 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 ये बिल्कुल ताजा है जो अभी अभी आया है वो आपके लिए है तो स्वामी जी ने कहा साधना तो वो कर रहा है ताजा दूध वो पिए मैं सवेरे वाला ही पी लूंगा तो माँ ने फिर बहुत कहा माँ को लगा कि ये वाला दूध तो ज्यादा कड़ा हुआ है।, है वो इतना अभी जल्दी जल्दी में लेके आई वो तो अजीब सा लगा कि कहीं महाराज जी क्या सोचेंगे उन्होंने फिर उन बार बार कहा नहीं महाराज जी आप यही पीजिए तो महाराज जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, साधना वो कर रहा है वो ताज़ा दूध पिएगा उन्होंने ऐसे ही करके प्लेट हटाई और कटोरी में दूध कप में डालने लगे तो जैसे ही डाला उन्होंने देखा तो बहुत रबड़ी जैसा दूध है तो मेरी तरफ देखा बोले साधु बनना है कि स्वादु बनना है स्वाद के लिए साधु बन रहे हो कि फकीरी करने के लिए साधु बन रहे हो बोले फकीरा फकीरी दूर है जैसे लंबी खजूर है चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर है तो बोले इतना आसान नहीं है इसलिए मैं कह रहा था पहले पढ़ाई करो फिर देखेंगे मैं तो मौन था मैं तो कुछ बोला नहीं खराब लगा लेकिन किसको आपको खराब लगा? मैं ना? तो छुप रहा शांत रहा महाराज जी फिर बोले तेरी मां समझती है ये जो दूध है ना मिल्क है ये मिल्क तुम्हें दे, ताकत देगा मिल्क तुम्हें मजबूती देगा मिल्क नहीं मंत्र मिल्क नहीं मेडिटेशन जो मैंने बताया था वो तुम्हें ताकत देगा तुम समझते हो कि मैं यहां दूध पीने के लिए आया हूं मैं वहीं से बैठे देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो इसलिए मैं आया हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम मेरी नजरों में हो और तुम्हें याद रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम अकेले नहीं हो तो भय को भी दूर किया भाव को भी कि भाव किस में हो यह भी भय है कि कमजोर हो जाएगा जी बात मिल्क की नहीं है बात मंत्र की है बात मेडिटेशन की है ध्यान की है जिस दिन इस पर ध्यान चला जाएगा बस बात बन जाएगी बस यही ध्यान नहीं जाता कि ध्यान की तरफ ध्यान चला जाए बात बन गई और फिर जब आप ध्यान में हो जाते हैं फिर आप केवल उस कोने में जो बैठी है मूर्ति उसके ऊपर ध्यान नहीं केवल वो जो हर कोने में वही है हर दिल में वही है हर दिल के कोने में वही है फिर आप उस भाव से जगत की सेवा करने लगते हैं कि कोई मूर्ति की नहीं है पूरी मानवता की सेवा करने लगते हैं फिर आप फिर वो प्रतिमा नहीं बन जाती जी फिर वो परमात्मा का स्वरूप पूरी सृष्टि में ही दिखने लगता है तब आपका जीवन समर्पित हो जाता है फिर वो तो चले गए मायन अंदर बोले महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे मैं भूल गई थी मिल्क नहीं मेडिटेशन मिल्क नहीं मंत्रा अंदर तो रो रही होगी हाय हाय दूध भी गया लेकिन मुझे उसने मजबूत किया तो आपने कहा ना उनकी सपोर्ट कैसी ये, थी तकलीफ तो नहीं तो ये सपोर्ट सिस्टम था तो जो उन क्षणों में भी कठिन थे लेकिन उन्होंने वहां भी मुझे सपोर्ट किया बोले नहीं तो बात बन गई जी और स्वामी जी जैसे फियर टू फेथ की आपने बात की आज हम देखते हैं समाज में बड़े बड़े शहरों में आ, लोग खूब अच्छी नौकरियां कर रहे हैं खूब अच्छा काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं सब कुछ व्यवस्थाएं हैं अच्छे घर हैं बड़ी गाड़ियाँ है। फिर भी कहीं डर है कि ये खो ना जाए ये चला ना जाए तो वो जो फियर से फेथ की यात्रा है वो कैसे मुमकिन है उसके बारे में थोड़ा बताइए देखिए कहीं खो ना जाए कहीं चला ना जाए ये जो भय है सच मानिए जिसने हमें भेजा है उसका भी तो कोई प्लान है आई कै नॉट सी दैट प्लान प्लान इज़ वेरी बिग आदमी को लगता है कभी आम को लगता है कभी पीपल को लगता है कभी तुलसी को लगता है या किसी और पेड़ को लगता है इन पेड़ों को देखो इन पक्षियों को देखो जैस्मिन को देखो उसको कोई चिंता नहीं है कि गुलाब ऐसा क्यों है और गुलाब को कोई पड़ी नहीं है कि जैस्मिन ऐसी क्यों है एक चिड़िया को ये नहीं पता है कि हाय हाय ये जो हमिंग बर्ड है इतना प्यारा है मेरे को ऐसा क्यों बनाया हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड है स्पैरो स्पैरो है कोयल कोयल है कौवा कौवा है सब अपने ढंग से हैं मोर को देखो तो कोई सवेरे सवेरे कोई मेकअप करना पड़ता है जिसकी वजह से सब कुछ है सवेरे सवेरे अपने आप ही है किसी को जगाना पड़ता है उठो सवेरा हो गया सूरज बोले नहीं मैं तो बहुत बहुत हो गया थका हुआ हूँ कब तक धरती को देखा चाँद को देखा चिड़ियों को देखो तारों को देखो रिवर्स देखो और कहीं भी उस परमात्मा ने इन सब को बनाया कहीं सिग्नेचर देखा उसका पत्ते के पीछे लिखा हो जी ओ डी भूल ना जाओ मैंने बनाया सामने सामने तो चलो जियोडी लिखो तो जरा लगेगा यार भगवान भी देखो अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ये भी कोई बात हुई हाँ हाँ मालूम तो है हर पत्ते भी लिखा हुआ है जी ओ डी हैसा कैसे हर पत्ता अपने आप में जियी है उसकी वजह से है लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं लिखा नहीं कोई नो नो सिग्नेचर इसलिए वो मस्त है देखा किसी ने नहीं लेकिन सब ढूंढ रहे हैं अगर भगवान है अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों हो रहा है फिर और अगर भगवान है तो उसकी फिक्र क्यों है फिर क्योंकि है वो तो अपना भी काम चलेगा जब इतनों का चल रहा है तो नहीं है तो फिर जिक्र क्यों कर रहे हैं और है तो फिर फिक्र क्यों कर रहे हैं इसलिए भगवान ने कहा अनन्या चिंतन तो माम ये जना पर तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां बोले थोड़ा विश्वास तो करो बात फेत की थी अनन्यास बोले अनन्य भाव से कुछ इधर कुछ उधर कहीं काम बनाने के लिए नहीं हम भटक रहे हैं वो देखो पक्षियों को कितने प्यारे हैं वो देखो ये देखो क्या बात है नहीं क्या उसकी सुंदरता तो देखो आप क्यों मस्त है जैसा भगवान ने बनाया जिस कलर का बनाया उसी कलर में मस्त है हम अपने कलर ही बदलते रहते हैं मुखौटे ही बदलते रहते हैं तो लेकिन स्वामी जी उस जर्नी की शुरुआत कैसे हो एक, एक अगर उस जनिक पे हम शुरुआत करना चाहते हो शुरुआत कहां से हो सकती है खुद से की खुद से शुरुआत करनी है खुद से शुरुआत करनी है समर्पण भाव से करनी है और जब आता हो तो जब करें मंत्र आते हैं तो मंत्र जपें ध्यान आता है तो ध्यान करें कुछ ना आता हो कम से कम अच्छे रास्ते पर चले अच्छे विचारों को ग्रहण करें किसी का बुरा ना करें नहीं समझ में आता कुछ इतना तो समझ में आता है एक कुत्ता भी होता है ना जब वो कहीं रेड़ी पे कोई ब्रेड चुराता है ना तो ब्रेड चुराने के बाद वहाँ बैठता नहीं है वो जाके दूर कहीं बैठती है उसको खा लेता है नहीं जी बिल्कुल एक कुत्ते को भी पता है यार चोरी की अब यहाँ बैठ के खाए तो मार पड़ेगी पिटेंगे वो भी किसी कोने में जाके चोरी तो कर लेता है लेकिन फिर किसी कोने में जाके बैठ जाता है वहीं जाके खाता है वो उसको भी पता है कि ये गलत हुआ अपने को नहीं पता होता करने से पहले भी पता होता पता। और करने के बाद भी नहीं तो आदमी ऐसे क्यों देखता है ऐसे क्यों देखता है इसका मतलब कोई देख तो नहीं रहा कोई देख तो नहीं रहा इसका मतलब गलत हो गया अगर गलत हो गया तो फिर उसकी सजा भी मिलेगी उसका असर भी पड़ेगा मन पे भी पड़ेगा करने के बाद दूसरों पे भी पड़ेगा और मन से मुझे कई बार लगता है फिजिकल भी आप पे वो स्ट्रेस से वो आता नहीं नहीं, उसका स्ट्रेस जो होता है वही आपको बीमार करता है सारे स्ट्रेस किस बात के हैं ये भय के तो स्ट्रेस है सारे जी और स्ट्रेस की वजह से ना तो आदमी सो पा रहा है ना आदमी खा पा रहा है खाने के लिए गोली पचाने के लिए गोली सोने के लिए गोली और खाने के बाद फिर जाने के लिए गोली उठने के लिए गोली थकावट हो रही है मरे जा रहे हैं अभी तो नई रिसर्च आई है नई रिसर्च है ये जो पिज्जा है ये जो बर्गर्स हैं ये सारी चीजें हैं बोले जीवन को बीमारियों का घर अगर बनाना है तो इन सब चीजों को खाओ बिल्कुल बिल्कुल ये ये जो है सारा का सारा इसलिए है हमारे यहां भगवान ने तो युद्ध के मैदान में अर्जुन को बताइए बैटल फील्ड में और क्या बता रहे हैं वहां पर गीता के द्वारा बात हो रही है लड़ाई की वहां बात वो दे रहे हैं दवाई की क्या दवाई दी बोले जीवन कैसे जियो वहां पढ़ाई करा रहे हैं लड़ाई के मैदान में पढ़ाई हो रही है दवाई मिल रही है क्या मतलब हुआ बोले आहार निद्रा भय मैथुन पहली बात बोले आहार है निद्रा है भय और मैथुन है ये चार चीजें हैं व्यक्ति खाता है पीता है व्यक्ति को सोता है जगता है व्यक्ति को भय लगता है और भाव में भी जीता है और व्यक्ति मैथुन में मतलब में दौड़ता ही रहता है इन चारों में भगवान ने शुरू आहार से किया क्या कहा युद्ध के मैदान में बता रहे युक्ताहार माने बैलेंस किस में बैलेंस बोले आहार में जिसकी बात आज साइंस कर रही है जी, तो युक्ताहार विहारस्य अपने आहार को व्यवहार को कहते तो ना शुरू कैसे करें पहले तो आहार से शुरू करो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति अगर आहार की शुद्धि होगी तो भीतर सत्व पैदा होगा सत्व गुण पैदा होगा शांति होगी जब शांति होगी तो स्थिरता होगी स्थिरता होगी तो समृद्धि आएगी समृद्धि आएगी तो जीवन में वृद्धि भी होगी और समृद्धि भी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भीतर भी आप स्ट्रक्चर्ड हों चीजें बड़ी बड़ी हों लेकिन खुद भी बढ़िया बने ये ज्यादा जरूरी है खुद का निर्माण भी बहुत खुद का निर्माण और वो खुद से होगा इसलिए यात्रा कहीं बाहर से नहीं खुद की यात्रा है खुद से यात्रा है बात बन जाएगी किसी और को नहीं देखना खुद में अपने को तलाशना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ वैदर आई एम बिकमिंग बेटर एवरी डे आर बेटर एवरी डे वैदर आई एम इन पीस आर इन पीसेस इफ आई एम नॉट बिकमिंग बेटर एवरी डे द बेटरनेस इज लाइक ए वायरस इन द कंप्यूटर इतने साल का सारा प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी सारी प्रोग्रामिंग ख़त्म सारा किया करा डाटा गया केवल वायरस से इसलिए एंटी वायरस प्रोग्राम है इसलिए हमारे यहाँ भी तो अगर बिटर नहीं बेटर बनना है तो एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है हमारे संस्कार हमारी संस्कृति ये ध्यान ये कनेक्शन क्योंकि लाइफ केवल कलेक्शन नहीं है लाइफ कनेक्शन है जी। तो ये अपने को पूछना है वॉट आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू बिकम बेटर और बेटर बनना क्या है मुझको क्या तलाश है मेरी कौनों में हाई फाई वाई फाई तो ठीक है वाई आई वाई आई एम हियर जस्ट टू मेक मनी ई ड्रिंक एन

सब कुछ गेन करने के बाद लूज लूज यू आर ए लूजर इसलिए आई हैव टू आस्क माई सेल्फ वेदर आई एम इन पीस आर इन पीसेस एंड चॉइस इज योर्स, वट यू वॉन्ट बी। लाइफ इज नॉट ओनली डूइंग 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 लाइफ इज बीइंग ह्यूमन बीइंग पता नहीं कब ह्यूमन डूइंग बन गया दौड़ रहा है दौड़ रहा है डूइंग डूंग डूंग अरे बींग थे हम अब बस वापस लौटना है आदमी बने रहो वही बहुत है इसलिए आदमी बने रहने के लिए उस आदमीयत को टिकाए रखने के लिए शांति बहुत जरूरी है नहीं तो सब सेट आदमी अपसेट सब तो आ जाएगा आदमी कहीं नहीं होगा आज देखो जिसको पूछो ओ आई एम वेरी स्ट्रेस्ड ले बारह बारह साल के बच्चे यू नो आई एम वेरी स्ट्रेस्ड अरे तुम्हारा तो जीवन शुरू हुआ है आई एम वेरी स्ट्रेस्ड तो यू हैव टू डिसाइड वेदर आई वॉन्ट टू बिकम इन पीस आर इन पीसेस इफ बिकॉज वाई पीस क्या फर्क पड़ता है अपने काम करो मजे लो की पीस बोले पीस क्यों जरूरी है बोले इफ यू आर इन पीस यू विल एग्ज्यूट पीस मैनिफेस्ट पीस शेयर पीस बट इफ यू आर इन पीसेस बट यू विल शेयर ओनली पीसेस बिटरनेस बिटरनेस बिखरे बिखरे स्वामी जी आपके इतनी सारी बातों मेरे इतने सारे सवाल हैं और मैं एक छोटे छोटे से आप मुझे उसका क्षण दे दीजिए एक तो जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की आज के बच्चे जो उस टेक्नोलॉजी का शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मानसिकता पे भी उसका असर है फिजिकलिटी पे भी फिजिकल बीइंग पे भी असर है तो अपने एज अ पेरेंट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अपने बच्चों को उस माहौल से उस परिवेश से कैसे बचा सीधी बात पहले तो खुद को रोकना होगा हम कमरा बंद करके मूवी देख रहे हैं और बच्चों को कि हम सारा दिन अगर व्हाट्सअप पे हैं तो बच्चे भी व्हाट्सअप पे होंगे हमें रात को ये पक्का कर लेना है कि 9 बजे के बाद अपने जितने भी हमारे पास ये चीज़ें हैं उनको उठा के रख दें तो बच्चों को भी लगेगा दैट्स इट पाँच मिनट ध्यान करें कोई कोई ऐसी चीज़ देखें कोई ऐसा चैप्टर ले लें गीता का या सत्संग का या म्यूज़िक का पहले अपने से शुरुआत होगी फिर अपने परिवार में एक समय हो दिस इज आवर टीवी टाइम दिस इज आवर सोशल मीडिया टाइम दिस इज आवर प्रेयर टाइम दिस इज आवर पीस आवर दिस इज आवर साइलेंस आवर आर साइलेंस फाइव मिनट सेवन लेट अस स्टार्ट विथ थ्री मिनट्स कहीं तो शुरुआत हो जी जी कम से कम ये लगे कि हर वीक ऐसा कुछ करेंगे खुद भी और पड़ोसियों को भी मैंने बड़े बड़े घरों में भी देखा है वो हर संडे को या थर्सडे को गुरुवार को शाम को बैठ के या मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करते हैं इसलिए कि वैसे बच्चों को बुलाना बहुत मुश्किल है बाहर वाले भी आ रहे हैं अपने भी बैठेंगे पर धीरे 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 हो जाती है हो जाती है बात शुरुआत ऐसे ही होती है और स्वामी जी दूसरा ये आहार के बारे में आपने जिक्र किया वेजिटेरियन अभी बहुत सारे लोग हैं हमारी जनरेशन के जो वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं उसके महत्व क्या हैं वो थोड़ा सा आप बताइए देखिए जैसा अन्न वैसा मन अगर खूनी फूड खाओगे तो विचार भी खूनी होंगे फूड मेक्स योर मूड फूड मेक्स यू शेप्स यू वट कैन द फूड यू ईट इट वेरी इंपॉर्टेंट इससे आजकल सारे डॉक्टर सारी साइंस सब कह रही है ईट ग्रीन ईट हेल्दी डोंट थिंक जंक फूड इफ यू ईट जंक फूड तो विल बीक यू विलकम जंक ही जंकी वेट बढ़ेगा सोचने की क्षमता घटेगी यही तो आज मीडिया कर रहा है सोशल मीडिया सोचने की क्षमता ही घट रही है आंखें इतनी कमजोर हो रही हैं चिड़छिड़े हो रहे हैं बच्चे इरिटेशन इतना आ गया है गुस्सा नाक पे है पेशेंस है, पेशेंस बिल्कुल कम हो गया है इसलिए केवल फूड मुंह से नहीं मेरी आंखों से मेरे कानों से मैं क्या सुनता हूं मेरे को रस कहां मिलता है मेरी आंखें क्या देखती हैं और मैं सोचता कैसे हूं मैंने कहा ना सारा संकट सोच का है स्वामी विवेकानंद जी कहते थे तो सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे और किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है दिशा को बदलो किनारे, तो किनारे बदल जाएंगे जी। बात खत्म इसलिए इस सोच को बदलना है हमारे यहां सोच पर बहुत बड़ी बातें की गई है ये जो वैचारिक प्रदूषण है आज इसलिए हमारे महर्षियों ने विचारों की वैक्सीन दी वो इतनी परमानेंट है कि आज भी वसुधैव कुटुंबकम है आज भी सर्वे सुखी है आज भी आनो भद्रा कृतवो युवत लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये जो बात है कि वर्शिप योर ओन एंड रेस्पेक्ट ऑल ये जो वननेस टूगेदरनेस इंक्लूसिवनेस ऑलनेस यही तो वैक्सीन है विचारों की और इस परिवार में हो तो समाज में हो तो देश में हो तो और खुद के जीवन में हो तो विन विन सिचुएशन है बस इसी की आवश्यकता है और यही भारत है आज भारत को भी भारत के चश्मे से देखने की ज़रूरत है क्योंकि भारत के पास ये सब कुछ है यही है भारत था ये चीज़ें यह सब चीज़ें वो भी है वो एक पार्ट है लेकिन भारत तो ये है इसलिए जो खोया उसका गम नहीं जो बचा किसी से कम नहीं आज भी अपने कल्चर को जाने अपनी नेचर को सं, संजो हम लोग बचाएं क्योंकि कल्चर नेचर एंड फ्यूचर कल्चर बचेगा नेचर बचेगी तो फ्यूचर बचेगा हमारी संस्कृति हमारी प्रकृति और हमारी संतति इनको बचाने का एक ही तरीका है अपनी सोच को बदलें अपने विचारों को बदलें अपने घर में संस्कारों को लाएं संस्कृति को जिए अपनी जड़ों से जुड़े रहें अपने मूल से जुड़े और अपने मूल्यों से जुड़े जी। खुद के जीवन को मॉडल बनाएं और देखो बात बन जाएगी एक मॉडल बनता है व्यक्ति वैसे तो हर मैगजीन के फ्रंट कवर में छपता है और अगर हमारा जीवन मॉडल बन जाए एक रोल मॉडल बन जाए एक रोल मॉडल बन जाए तो भगवान के दिल में छपेंगे पूरे वर्ल्ड में छपेंगे और उसके लिए मेरा गोल सेट हो मेरा रोल सेट हो गोल सेट रोल सेट बाकी सब सेट हो जाता है जय गंगे